हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्रयान 3 ने बहुत बड़ी सरप्राइज सबको दी है। उसने कर दिया है धमाल और दी है खुशखबरी सबको कि 15 अगस्त तक हो सकता है वो लॉन्च हो जाए। और जो ये इसका सीक्रेट मिशन है, उसे मालूम था कि कोई ना कोई कंट्री बीच में अड़चन लगाएगा, जैसे रशिया ने क्या किया लूना 25 को लॉन्च करने की ठान ली है इंडिया के साथ, और उसका रॉकेट बहुत अधिक स्पीड का है और ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी चंद्रमा पे पहुंच गया और इंडिया से कॉम्पीट कर रहा है। और उसका चैलेंज है कि हम इंडिया को हरा देंगे। लेकिन चंद्रयान 3 को बनाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों ने भी कुछ प्लान्स अपने छुपा रखे हैं, और उसे मालूम था कि कुछ कंट्रीज बीच में अड़चन जरूर डालेंगे, चाइना, अमेरिका, ये सब। लेकिन उसे USSR से नहीं उम्मीद थी कि वो बीच में अड़ंगा डालेगा, क्योंकि वो भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन शायद उसमें यूक्रेन की लड़ाई की वजह से नहीं वो अपने लूना 25 को लॉन्च कर पाया। उसका लूना 25 नाम इसलिए है क्योंकि उसका 25th मिशन है ये। उसके पहले उसके और जो मिशन थे वो फेल हो चुके हैं, और कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है कि मून पे प्रॉपरली लैंड करे। तो उसने जब अपना लूना 25 लॉन्च किया तो सभी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी तेजी से चंद्रमा पर के पास पहुंच जाएगा। लेकिन अब जो इसरो ने ऐलान किया है कि वो 15 अगस्त तक अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर देगा मून पे, वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिससे पूरा इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड सरप्राइज में है और सब झूम उठे हैं कि अब इंडियन वाले की हम लोगों का चंद्रयान जीत जाएगा, जो एक बहुत बड़ी रेस थी। इसरो के साइंटिस्ट बोले, जो मेन इंचार्ज हैं एस सोमनाथन एंड डॉक्टर के सीवान, जिन्होंने ऑलमोस्ट सारी टेक्निक्स बनाई और उसको मेन है जो उसको डील कर रहे हैं, उनका मिशन है। और वो ये इस बात को प्राउड फील करते हैं कि वो 15 अगस्त को अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में आगे बढ़ चुके हैं। तो जिस दिन इंडिया में प्रधानमंत्री अपना झंडा फहराएंगे, वहाँ पर स्पेस में ये लोग अपना चंद्रयान को लैंड करेंगे। और इसके लिए इन्होंने उसकी स्पीड बहुत तेज कर दी है, जिससे वो जल्दी से जल्दी चंद्रमा पे लैंड करने लायक हो जाए। तो जो 100 किलोमीटर का दायरा था वो और भी कम हो गया, और धीरे धीरे ऑर्बिट कम होती जा रही है और चंद्रयान मून के पास बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि चाहे लूना 17 को लॉन्च करे, चाहे 21 को लॉन्च करे, चाहे 23 को लॉन्च करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हम लोगों का चंद्रयान तो 15 अगस्त को ही लॉन्च हो जाएगा। एंड दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। और इसके लिए उन्होंने अपने सारे सेंसर, AI प्रोग्रामिंग और अपने दोनों टॉर्च को ऑन कर दिया है। सारे सेंसर इसलिए ऑन किए हैं कि आसपास की जानकारी वो ले सके, और कैमरा इसलिए ऑन किया है कि आसपास की सारी पिक्चर ले सके, जिससे करेक्ट पोजीशन पता लग सके और वो करेक्ट पोजीशन पे अपने टारगेट पे अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च सेफली कर पाए। और टॉर्च इसलिए ऑन की है जिससे उस स्पेस की क्लियर पिक्चर आए। टॉर्च ऑन करते मानी सारे कंट्री के लोग नासा स्पेशली फोन करने लगा और पूछने लगा कि आर यू रेडी फॉर द लॉन्चिंग। तो उसने हंस के वो बात टाल दी है इसरो ने। वो अभी भी अपने प्लान को सीक्रेट रख रहा है, क्योंकि उसे अब ये बहुत डर हो गया है कि बहुत से कंट्रीज के पीछे पड़ चुके हैं और उसकी प्लानिंग को जान करके उसमें अड़चन डाल सकते हैं, तो अपने कोई भी प्लान को नहीं बता रहा है। इसके अलावा इसमें उन्होंने 3 नेटवर्क लगाए हैं, जो ABC हैं। तो उन्हें ये उम्मीद है कि ए वाला नेटवर्क जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी सीक्रेट गुफा और ऑर्बिट पता लगा है जहां पर जाके जनरली
और कंट्री के भी नेटवर्क जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, जिससे कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। तो उन्होंने इसीलिए 3 नेटवर्क लगाए कि ए फेल हो जाए तो बी स्टार्ट हो जाए, और बी फेल हो जाए तो सी स्टार्ट हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत अधिक से अधिक होगा तो ए नेटवर्क ही फेल होगा। हम बहुत ज़्यादा नेटवर्क लगाते तो इंजन बढ़ाना पड़ता, उसका फ्यूल बढ़ाना पड़ता, जिससे हमारे स्पेस क्राफ्ट की वेट जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता, और वेट बढ़ जाता तो उसको लॉन्च करने में दिक्कत होती, क्योंकि हल्की चीज जो होती है देर से गिरती है और हैवी चीज जो होती है वो ज्यादा स्पीड में तेज से गिरती है। लॉन्च करने में हमें दिक्कत होती क्योंकि स्पीड हमें फिर और भी कम करनी पड़ती, और जिससे कि वो प्रॉपरली लैंड होता। तो ये पॉसिबल नहीं था कि 3 से ज्यादा नेटवर्क रखें। 3 रखने में भी उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी और इंजन बढ़ाने पड़े और फ्यूल्स बढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी काफी हैवी हो चुका है। 2 टॉर्च का ऑन करने का मेन मकसद यही था। 2 टॉर्च तभी ऑन की जाती है जब किसी स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराना होता है। इसकी वजह से इनका ये मिशन जो है रिवील हो गया कि नाउ दे आर रेडी टू लॉन्च द स्पेसक्राफ्ट, और इसी वजह से और कंट्री के लोग बोलने लगे कि कब लॉन्च हो रहा है, आप उसको क्लियर करिए, हमको जो आपको सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है एक्सेस करने की राइट दीजिए। लेकिन इसरो ने अभी किसी को ये राइट नहीं दिया है कि उसकी इंफॉर्मेशन को कोई भी एक्सेस करे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार चंद्रयान 3 हैक हो चुका है, वो आगे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि उसके चंद्रयान 3 के साथ कोई कुछ खिलवाड़ करे। तो जिस ऑर्बिट में इस समय चंद्रयान 3 घूम रहा है उसमें उन्होंने स्पीड इसलिए तेज की है कि अगर किसी भी समय हमें लॉन्च करना पड़े तो हम स्पीड कम करके और अपने टारगेट को टॉर्च के हेल्प से, कैमरे के हेल्प से प्रॉपर सिचुएशन को देख करके ऐसी जगह अपने चंद्रयान 3 को लैंड करें जहां पर उसको कोई खतरा ना हो। हालांकि जो गुफा पता लगी है, जो एक बीच में ऑब्स्टिकल है जहाँ पर ज़्यादातर जाके कंट्री के स्पेसक्राफ्ट जो है वो डैमेज हो जाते हैं और फिर वापस नहीं आ पाते हैं, उस जगह को भी उन्होंने रिवील किया है और उससे बच कर निकलने की पूरी टेक्निक्स पे एनालिसिस कर रहे हैं। चंद्रयान 3 खुद अपने आई की मदद से 3 प्लान बता चुका है इसरो को कि स्पेस बदल दो, टाइम बदल दो, डेट बदल दो, और अच्छे अच्छे प्लान वो खुद ही बता रहा है सिचुएशन देख करके। तो फुल्ली ऑपरेटेड उसमें AI भी है जो पूरा, और चंद्रयान 2 भी हेल्प कर रहा है। तो फुल्ली ऑपरेटेड AI होने की वजह से हमारा मिशन जो है हो सकता है कि बहुत सक्सेसफुली लॉन्च कर जाए और लूना से जीत जाए। उन्होंने इसरो ने बताया कि लॉन्चिंग प्रोसीजर में 112 प्रोसेस होती है, जिसमें से एक प्रोसेस हमारी रिवील हो गई कि 2 टॉर्च हमने क्यों ऑन किया है। 2 टॉर्च ऑन करने का मतलब ही होता है कि आप अपने स्पेस क्राफ्ट को लैंड कराने जा रहे हैं। दे कांट हाइड दिस सिचुएशन। तो इससे वजह से 112 में से ये पहली प्रोसेस जो स्टार्टिंग की थी लोगों को रिवील हो गई है, और अभी न जाने कितना पिटारा में इसरो के सीक्रेट छुपा हुआ ये कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि साइंटिस्ट लोग बहुत सतर्क हैं और वो किसी भी रिस्क को लेने को तैयार नहीं है और अपने सीक्रेट किसी को बताने को तैयार नहीं है। जबकि नासा ने भी उनसे कहा कि आप अपने डेटा को एक्सेस करने की परमिशन दीजिए, फिर भी उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी। और वो ये चाहते हैं कि जब टॉर्च की लाइट पड़े तो उसके सिचुएशन जितने कितना उभरा हुआ जमीन है, कितना कैसा जमीन है, और उसके आसपास के 1.5 किलोमीटर का भी वो पिक्चर प्रॉपर ले, जिससे कि हम लोग टारगेट पे ठीक समय पे 15 अगस्त को लॉन्च कर पाए। 15 अगस्त की बात उन्होंने क्लियर नहीं करी है, उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि 15 अगस्त तक हम लोग लॉन्च कर जाएंगे, और 23 अगस्त और 15 अगस्त के बीच में 8 दिन का अंतर है। तो कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा जिससे कि उन्होंने इंजन की स्पीड बढ़ाई और अपने देश को प्राउड करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए वो और सभी तरह के उन रिस्कों को उठा रहेंगे जिससे पॉसिबल है कि पहले
चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाए, लेकिन कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते जिससे कि जो हाल चंद्रयान 2 का हुआ था वो चंद्रयान 3 का भी हुआ, क्योंकि पीछे तो लूना 25 लगा ही हुआ है, जिसकी वजह से जो इनका प्री प्लान्ड था, सिचुएशन थी, डेट थी, स्पेस थी, वो सब उनको चेंज करनी पड़ रही है। एक तरह से पीछे से जबरदस्ती का प्रेशर है, लेकिन फिर भी इसरो अपना बेस्ट सोच के ही करेगा और होप कि वो सक्सेसफुली लॉन्च ही कर पाएंगे और हम लोगों को भी प्राउड फील होगा जिस दिन आए हमारे हम लोग का चंद्रयान 3 मून की सरफेस पे सक्सेसफुली लैंड करेगा। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आई टी इन्फॉर्म, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, join my telegram channel Tech Ratan, press bell all to get notification of the next video